कई बार जो है घर वाले जिसको कहते हैं कि अपने गांव की भाषा में कहे या छोटे कस्बे की भाषा में कहे, तो गार्जियन पीट देते थे, कूट देते थे जिसको कहते हैं। हम गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सवार दे बाहर बाहर चोर चोर। तो मतलब ये जो आपने बात कही सेम वही बात है कि शिष्य जो होता है वो बिल्कुल एक कच्चे घड़े की तरह होता है और गुरु जो है वो कुम्हार है। कि जैसे गांधी जी भी, जो हम लोग जो ग्रेजुएशन के दौरान पॉलिटिकल साइंस में जो हम लोगों ने पढ़ा, तो गांधी जी का एक जो सिद्धांत है कि स्टेटलेस सोसाइटी, वो भी मानते थे इंटरफेरेंस स्टेट का ना हो, यानी पुलिस इत्यादि का इंटरफेरेंस आम आदमी के जीवन से जितना दूर हो जाए। वर्तमान में चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, लगातार उन्होंने तमाम जो ऐसे कानून हैं उनको कम करने की कोशिश की, जो ऐसे यूजलेस कानून हैं उनको भी ख़त्म करने की बात कही। नमस्कार, मैं हूँ आलोक शुक्ला और बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, हमारे साथ मोहसिन रजा जी जुड़ गए हैं, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे हैं, समाज सेवी हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। आपका समाज जीवन में लंबा अनुभव है, उनसे बातचीत करने के लिए आज हम शुरुआत करेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी अर्ली लाइफ रही, बचपन कैसे बीता आपका, शुरुआत अगर जहाँ से आपको याद है, कुछ बदमाशी वगैरह करते थे कि नहीं? बचपन बदमाशी से ही शुरू होता है और वो कहीं ना कहीं जब हम बचपन में कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं वही आगे जाके हमारे अनुभव में शामिल होती हैं और हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाती हैं, क्योंकि बचपन की गलतियां वो हमें सीख भी देती हैं और शिक्षा भी देती हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया आलोक जी। मैं जहाँ तक बात करूँ तो देखने में तो आप लोगों को लगता होगा, चूँकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको आजकल के समाज में जमींदार घराना बोला जाता है, जागीरदार घराना बोला जाता है, लेकिन मैंने उसका अध्ययन किया था। अपने जीवन में अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे नए बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं आगे बढ़कर किसी भी फील्ड में, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम जिनको जागीरदार कहते हैं, जमींदार कहते हैं, दरअसल वो एक बड़ी जोत के किसान हुआ करते थे उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में लैंड की वैल्यू नहीं थी जी, व्यक्ति की भी कोई वैल्यू नहीं थी। किसान ने खेती करता था, चंद पैसे किसान खेतों से अपने गल्ला पैदा करके या मैंगो फार्मिंग करके उससे कुछ कमा लिया करता था, और वही जागीरदार कहलाया जाने लगा। आज के दौर में उसी को जिम्मेदार कहा जाने लगा। फिर चूंकि हमारा बैकग्राउंड एक छोटे से टाउन सफीपुर जनपद उन्नाव में है, वहां से है और वहां से मैं निकलकर आया हूं, तो मैंने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल ये आपका है कि आपने जो शरारतें की बचपन में और जो बदमाशियां की हैं, तो उन बदमाशियों में मुझे अपना वो बचपन याद है कि आज हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं, मेरे अपने बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं, मेरी मिसेज हैं वो कॉन्वेंट से पास आउट हैं, लमट नियर बहुत ही फेमस कॉलेज है आपका, वही मेरे बच्चे और मेरी वाइफ भी वहीं से पढ़ी है, लेकिन मैं प्राइमरी पाठशाला से शिक्षा लेकर यहां तक पहुंचा। और मैं बचपन की बात बताना चाहता हूं कि जब मैं जाया करता था अपने, हमारे यहाँ एक प्राइमरी पाठशाला था, तो वहां पर जब हम लोग जाते थे तो टाट होती थी, उसको बिछाया जाता था, तो फिर उसके बाद वहां से पढ़ते पढ़ते हमारा फिर उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ चयन, हम यहाँ आ गए। खेल में हमें बहुत ज्यादा रुचि थी, क्रिकेट में खेलता था, तो पहले के जमाने में मैंने देखा था कोई ऐसा हमारे घर में बातें नहीं होती थी कि हमारे बच्चे को डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। हम कहना चाहिए कि जो थ्री इडियट्स आई थी ना, तो मेरे घर वालों ने शायद उसका पालन तभी कर लिया था। अच्छा। देखा मुझे खेलते हुए क्रिकेट में, मैदान में खेला करता था बच्चों के साथ में, तो पापा को लगा कि ये क्रिकेटर ही बन सकता है, क्योंकि यहाँ कोई बहुत अच्छा स्कूल और कोई माध्यम तो है नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट तक ही वहां पर कॉलेज था, एक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज है, बस वहीं मैंने शिक्षा ली और वो 10th क्लास के बाद मैं फिर यहाँ आ गया था। अच्छा, आपने बचपन की बात बताई, मैं आपसे, चूंकि मैं भी, हाइट मेरी भी अच्छी खासी आप देख ही रहे होंगे, है आपसे थोड़ी कम है लेकिन हाइट ठीक ठाक है, तो मैं भी लॉन्ग जंप, हाई जंप या क्रिकेट खेलना हो ये सब मेरा भी रहा, लेकिन कई बार जो है घर वाले जिसको कहते हैं कि अपने गांव की भाषा में कहे या छोटे कस्बे की भाषा में कहे, तो गार्जियन पीट देते थे, कूट देते थे जिसको कहते हैं। हमारी कुटाई और पिटाई जो है मेरे सबसे छोटे चाचा उनके द्वारा होती थी, और मुझे पापा ने तो कभी नहीं मारा पीटा और ना ही कभी डांट पड़ी, दादी मुझे बहुत
प्यार करती थी, माता जी कभी डांट देती थी, और लेकिन छोटे सबसे चाचा हमारे वो जरूर हमको जो है मारते पीटते थे, लेकिन उनका मारना पीटना मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा समय था जब उन्होंने मुझे उस तरह से, जैसे कुम्हार घड़े को बड़ा करता है, अंदर से पीट रहा, बाहर से पीट रहा होता है, अंदर से सपोर्ट किया होता है। जी, जी, तो जी, वो वाली जो उन्होंने हमको शिक्षा दी थी, और आज मैं उस बात को अनुसरण करता हूं। मैं समझता हूं कि चाचा ने क्यों, अगर मैं वो थोड़ा सा वो जो एक डर था वो नहीं रहता, तो शायद बचपन में कभी कभी हम लड़कपन की उम्र में गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, तो उसको सही करने के लिए घर का कोई सदस्य आगे बढ़कर अपने बच्चे को चेक करता है। अच्छा, तो चेक करने का काम उन्होंने किया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही। एक जो बहुत फेमस दोहा भी है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सवार दे बाहर बाहर चोर चोर। तो मतलब ये जो आपने बात कही सेम वही बात है कि शिष्य जो होता है वो बिल्कुल एक कच्चे घड़े की तरह होता है, बिल्कुल भी। और गुरु जो है वो कुम्हार है, वो बाहर से चोट जरूर मारता है लेकिन अंदर से उसको रोके रखता है। टीचर कभी आपको पीटे हैं? क्योंकि उन दिनों आम बात हुआ करती थी और बच्चा घर बताता भी नहीं था। अच्छा, टीचर बहुत संभाल के मारते भी थे, ऐसा भी नहीं कि चोट लग जाए। तो इस पिटाई को आप कैसे देखते हैं, जो टीचर्स पीटते थे कई बार सुधारने के लिए? घर वाले तो चलिए ठीक है, लेकिन टीचर्स जो पीटते थे, जो शिक्षक हमारे हमको पीटते थे, उसको आप कितना बेहतर मानते थे व्यक्तित्व निर्माण के लिए? बहुत अच्छा मानते थे। और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम उन परिवारों से और उन गार्जियन से भी कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने बच्चे का भविष्य अच्छा करना है, तो अगर गुरु कोई थोड़ी सी तंबी भी कर रहा है, थोड़ी सी उसको शिक्षा के दौरान सख्ती कर रहा है, तो गुरु को अप्रिशिएट करिएगा, कभी बच्चे की बात मत सुनिएगा, बच्चे को प्यार से समझाने की प्रयास करिएगा। अक्सर हमने देखा है कि लोग चले जाते हैं और कॉलेज में जाकर या स्कूल में जाकर खड़े हो जाते हैं, प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं कि साहब मेरे बच्चे को इन्होंने मार दिया। दरअसल वो आपके बच्चे को ग्रो कर रहा होता है, उसको ग्रोन अप कर रहा होता है, बना रहा होता है, उसको अपने बच्चे में कुछ देखना है, अपने से बेहतर उसको देखना है। गुरु चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा बेहतर निकल जाए, जैसे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं चाहता हूं, जैसे आज मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है, पता है आपको, वो भी उत्तर प्रदेश टीम में है जी जी। और अंडर 19 में भी रहा है, और चूंकि मैंने उसको नहीं देखा खेलते हुए कभी मैदान में जाकर, लेकिन वो चूंकि उसके जींस में क्रिकेट आ गया है उसके अंदर, तो वो खेलता है। लेकिन मैं कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूं उनके गुरु के बीच में और उनके बीच में। तो इसलिए बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बैरियर बन जाती हैं हमारे और बच्चे के भविष्य को लेकर, अगर हम अपने उनके गुरुजन से जाकर सवाल करें कि आपने इनको, आपने डांटा क्यों, आपने इनको मारा क्यों। वो मार नहीं रहा होता है, दरअसल वो कहीं वो शिक्षा के दौरान वो वाली चीज बता रहा होता है कि वो नहीं समझ पा रहा है, वो इरिटेट हो रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा शिष्य वो बहुत आगे निकल जाए, वो उसको बहुत दूर देखना चाहता है, कहीं शिखर पर देखना चाहता है। लेकिन तब पेरेंट्स अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होता है वो शिक्षक मेरा, जो मेरे गुरु हैं वो डिमोरलाइज होते हैं। तो उस समय के जो हमारे गुरुजन थे, जिन्होंने मुझे कभी कान पकड़ लिए, ज्यादातर कान गोशी होती थी, कान ऊंचा जाता था, मारपीट तो मैंने बहुत कम ही देखी, एक आध बार किसी ने कोई ऐसा हल्का सा टीप मारा हो, लेकिन कान वान नोच देते थे गुरुजन, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। वो समय आने वाला नहीं दिखता मुझे, वो अच्छा, समय का हम इंतजार कर रहे हैं, वो समय जब आएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि वो समय जब आएगा उस तरह का, जब टीचर्स मार, कई बार टीचर्स जो आजकल के टीचर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो टीचर्स बता रहे हैं वो संभालने वाले टीचर्स हुआ करते थे कि मारते भी थे तो इतना दायरा रखते थे कि चोट ना आ जाए बच्चे को। कई बार अब इस तरह के भी टीचर्स हैं जो द्वेष बस मारने लगते हैं या ज्यादा पिटाई कर देते हैं, ऐसे टीचर्स को, ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले टीचर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर टीचर्स के लिए क्या मैसेज? मुझे लगता है कि शायद कोई भी टीचर या कोई भी गुरुजन ऐसे होते नहीं हैं, अगर उनके अंदर ये स्वभाव आया है तो उन्हें खुद अपने आप में एक बार चेक करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए कि आखिर हमसे कहां पर कोई, हम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम तो देख चुके हैं ना, हम तो ये अनुभव लेकर आए यहां तक, और अगर हम अपने स्टूडेंट के साथ में इस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी छूट गई है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम रोज कुछ सीखने निकलते हैं आलोक जी, हम ऐसा नहीं, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, हम रोज कुछ ना कुछ सीखने निकलते हैं। कभी कभी हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं और सामने वाला कुछ बच्चा बोल देता है या नौजवान बोलता है, तो मुझे लगता है ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं थी, तो मैं उसको अनुसरण करता हूं और उससे कुछ सीखता हूं मैं, तो ये कहीं इसमें छोटा बड़ा नहीं हो जाता।
तो ये जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं आज के, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा है तो उनके पेरेंट्स से बात करिए, उसको फ्रेंडली ट्रीट करिए, उसको दोस्त बनाकर बच्चे को, स्टूडेंट को अपने, अगर शिक्षक ये चाहें कि उससे थोड़ा सा समय दे दें, और थोड़ा समय देने के बाद अगर दोस्ती कर लें उस बच्चे से और दोस्त बन के उसको पढ़ाने लगे, तो मुझे लगता है कि बहुत तेजी से वो उनकी बात को समझने भी लगेगा और उसे जो चीज वो समझाना चाहते हैं वो तेजी के साथ में उसको उतारेगा अपने जीवन में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो टीचर बनने की जो ट्रेनिंग होती है, कई बार उसके अलग अलग नाम है, मैं उन नामों पे नहीं जाना चाहूंगा, गवर्नमेंट कराती है वो ट्रेनिंग, स्कूल कॉलेजेस बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत बीएड बीपीएड एमपीएड एमएड, जो एजुकेशन से जुड़े हुए जो तमाम कोर्सेस चलते हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ भी इन चीज़ों को बहुत प्रेरित करके टीचर्स को सिखाया जाना चाहिए? जो टीचर की ट्रेनिंग होती है उसमें ये सिखाया जाना चाहिए? मुझे लगता है कोई भी जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ हमको परफेक्ट करने के लिए होती है। क्योंकि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे अंदर क्रिकेट था, उसको निखारने का काम उन लोगों ने किया जिन्हें अनुभव था हमसे ज्यादा। तो टीचर एक अनुभवी होता है, उसको हमसे ज्यादा, बच्चे से ज्यादा अनुभव होता है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन कर चुका होता है, उन शिक्षा से गुजर चुका होता है, पीएचडी कर देता है, कई और डिग्रीज होती हैं टीचर्स के पास में। तो अब ये कह देना कि साहब इनको हमने ये डिग्री दे दिया इसलिए टीचर हो जाएंगे, नहीं। कभी कभी कोई आम आदमी भी हमारे बच्चे को जो पढ़ाने आता है वो शायद उस स्कूल के टीचर से ज्यादा बेहतर शिक्षा दे जाता है घर पर, जो वो वहां नहीं दे पा रहा होता है। बहुत से बच्चों को हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए उनको हमें स्पेशलाइज्ड टीचर्स को बुलाकर देना पड़ता है कि साहब ये बच्चे को आप मैथ्स पढ़ा दीजिए, ये इंग्लिश में कमजोर है या ये हिस्ट्री में कमजोर है। तो आप, हम उस तरह का टीचर ढूंढते हैं, टीचर से मतलब वो अनुभवी व्यक्ति, उस तरह का हम ढूंढते हैं समाज में, और वो मुझे मिलता है और वो शिक्षा दीक्षा देता है, वो बच्चा हमारा अपना स्थान पाता है। कि जैसे गांधी जी भी, जो हम लोग जो ग्रेजुएशन के दौरान पॉलिटिकल साइंस में जब हम लोगों ने पढ़ा, तो गांधी जी का एक जो सिद्धांत है कि स्टेटलेस सोसाइटी, वो भी मानते थे कि इंटरफेरेंस स्टेट का ना हो, यानी पुलिस इत्यादि का इंटरफेरेंस आम आदमी के जीवन से जितना दूर हो जाए। वर्तमान में चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, लगातार उन्होंने तमाम जो ऐसे कानून हैं उनको कम करने की कोशिश की, जो ऐसे यूजलेस कानून हैं उनको भी खत्म करने की बात कही। आईपीसी, जो इंडियन पीनल कोड यानी दंड संहिता हुआ करता था, वो न्याय संहिता में बदल गया, बीएनएस में बदल गया। तो जो गांधी जी का सिद्धांत है, अगर हम अपने तमाम धर्मों के जो तमाम रीडिंग्स हैं उनको भी पढ़ें तो भी, और जो हमारे वर्तमान भारत के एक तरह से निर्माता राष्ट्रपिता कहिए, महात्मा गांधी की भी बात करें, तो उन्होंने भी यही कहा है कि कैसे जो है स्टेटलेस सोसाइटी बने जिसमें व्यक्ति इतना नैतिक हो जाए कि अगर उसका पड़ोसी भूखा है और उसके पास चार रोटी है तो एक दो उनको भी दे दे, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सोसाइटी में जो अभिभावक हैं, ज्यादातर अभिभावक, मैं सबको तो नहीं कहूंगा कि 100% हो गए हैं, इसमें अच्छे लोग भी हैं जो आप जैसे, हम जैसे और तमाम लोगों जैसे, जो ऐसे 20% लोग हैं, लेकिन 80% अभिभावकों का माइंड सेटअप ऐसा हो गया है कि अपने बच्चे को वो चाहते हैं कि चैरिटी में बिलीव ना करे, वो तुरंत गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं ज्यादातर लोगों का। तो ऐसे अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? दो तीन चीजें आपने बात अभी कही, जैसे आपने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात करी, देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्ति, उनकी लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जी, सबको सन्मत दे भगवान जी। तो आ गई ना सारी बात इसमें। अब रही कि आप संविधान की बात जो कर रहे हैं, ये जो संविधान है, अक्सर मैंने देखा है कि हमारे पॉलिटिकल उस पर जो है बड़ा साहब उसको हवा बना दिया जाता है। देखिए ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये कोई हमारा धर्म नहीं है, ये हम सबके द्वारा बनाई गई एक नीति, एक योजना है कि हम समाज को कैसे बेहतर चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए हमने एक ऐसा न्याय प्रणाली बना दी है, एक संविधान बना दिया है कि ताकि थोड़ा सा लोग इसको डरने लगे कि अगर कोई काम गलत सोच भी रहे हैं तो ये मान लें कि ये दंड संहिता जो बनी है इससे कहीं दंडित ना हो जाए, तो लिहाजा हम वो काम ना करें। ये सुधारने के लिए चीजें बनी है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी फोरम पर नहीं होना चाहिए। कि कैसे जो गार्जियन है वो बिजनेस की तरफ अपने बच्चों को या खेल की तरफ उन्मुक्त करें,
उधर भेजें, क्योंकि कई बार बच्चे का माइंड रीडिंग अभिभावक नहीं समझ पाते हैं, टीचर्स कैसे उनको इन्वॉल्व होकर के देख सकते हैं। आपसे कि जैसे अक्सर और बेशतर आप देखिए कि बच्चों में ही टैलेंट होता है, उनमें ही वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो उसको देखने का नजरिया आपका है, आप उसमें कभी रॉन्ग देखते हैं उनको, कभी राइट देखते हैं। लेकिन अगर आप अगर सही से परख जानते हैं और आपके पास अनुभव है, तो मैंने कई ऐसे बच्चे मेरे सामने से गुजरे, मैं आपके चैनल पर नाम भी लेना चाहता हूं, एक दिन मैं ऐसे ही गुजर रहा था जब क्रिकेट खेलता था, तो एक बहुत छोटी सी जगह यहां पड़ती है गोलागंज, हाँ। वहां एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, बॉलिंग कर रहा था, मैं गुजर गया मोटरसाइकिल से भी, मैं लौट कर आया, मुझे उसका एक्शन बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे जाना था MRFS फाउंडेशन में, ये बात है 1988 की, 88-89 की, तो मुझे जाना था। मैं उसको बच्चे को बुलाया, मैंने उसे कहा इधर आइए, आप कहाँ रहते हैं, तो उनके फादर से मैं मिला जाकर, उनके फादर ने कहा नहीं भाई वो मुझे क्रिकेट विकेट नहीं खिलाना है, मेरा बच्चा सेंट फ्रांसिस पढ़ता है, कहाँ आप ये सब बातें कर रहे हैं, और वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब उन्होंने ये वर्ड मुझसे कहा था उनके फादर ने जी। तो मैंने कहा अच्छा अंकल कोई बात नहीं है, मैं आपको इस बच्चे को देकर देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मेरा काम था कि बता देना इसमें प्रतिभा है और आप पढ़ा रहे हैं, वो अच्छी बात है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, ये तो और अच्छी बात है कि वो अच्छी जगह से स्कूलिंग हो रही है उसकी, और उसके अंदर प्रतिभा मुझे दिखाई दी, तो मैंने आपको बता दिया है टैलेंटेड बच्चा है। आप यहाँ पर अजीत वाडेकर जी आने वाले थे और स्टेट बैंक की तरफ से यहाँ पर कैंप था क्रेडिट सिंह बाबू स्टेडियम में, तो मैंने उनको भेजा, अजीत वाडेकर, अजीत वाडेकर कप्तान है, हाँ क्रिकेटर है पुराने, तो वो आ रहे थे उस सिलेक्शन क्राइटेरिया में, मैं चला गया मद्रास, तो बच्चे को लेकर आए अपने, जब मेरी बात उन्हें याद हुई, क्योंकि मैं नहीं था, मैं मद्रास में था उस जमाने में, तो वो लेकर आए और वही बच्चे की सबसे ज्यादा तारीफ उन्होंने की, उसी बच्चे की सबसे ज्यादा टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन में बना वो बच्चा, और बच्चा बाद में उत्तर प्रदेश से रणजी ट्रॉफी खेला और रेलवेज में है और अभी भी वो BCCI के साथ में है। एक लाइन में बच्चों को ये कह दीजिए, ये बता दीजिए कि वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, जो उनका इंटरेस्ट का विषय है उसको लेकर के कह दें, और कैसे वो बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में जो भी काम करें उसमें समाज के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति अपने दायित्व को ना भूले। नंबर दो, कैसे वो सामाजिक जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत रहते हुए राष्ट्र के हित में सोचते हुए देश को आगे ले जाने के लिए खेल हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या फिर बिजनेस हो, इन सभी क्षेत्रों में अपने आप को माने और डिमोरलाइज कैसे ना हो। बस थोड़े कम कोई भी बच्चा हमारा वो राष्ट्र की धरोहर है, वो कल का आने वाला प्राइम मिनिस्टर भी है, राष्ट्रपति भी है, चीफ सेक्रेटरी भी है, चीफ जस्टिस भी है, उसी में से कोई आके निकलेगा, सचिन भी बनेगा, उसी में से कोई सहवाग और रोहित शर्मा होगा, तो इसलिए ये तो मैं मानता हूं कि ये राष्ट्र की धरोहर है, लिहाजा इनको हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे राष्ट्र की धरोहर को हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम सजा कर बचा कर रखते हैं, उसके फोटो अपने घरों में लगा कर रखते हैं, तो आप हमारे लिए वैसे ही हैं हीरे की तरह, और वैसे ही हमारे लिए आप हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं। लेकिन आप अपने माता पिता का सम्मान करें, समाज के प्रति आप सबसे आदर सम्मान करके उनका प्यार लें, आशीर्वाद लें, और जो काम आप करने निकले हैं आपके मन में है और आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि ठीक है आप करिए, जो भी लगाओ उनका स्पोर्ट्स में है, बिजनेस में है, किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये मानकर चलिएगा जिस तरह से आपने एक देखा है कि हॉर्स होते हैं ना, उनको ऐसे करके बांध दिया जाता है दो तरफ से ताकि वो इधर उधर ना देखें, आप अपने गोल पर अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए पहले वो मेहनत करें कि आपके हॉर्स पावर में कोई कमी नहीं आना चाहिए, अगर उसमें कोई कमी आएगी आप ज्यादा देर मोबाइल पर देंगे, मोबाइल सकारात्मक भी है लेकिन इसमें कुछ चीजें नकारात्मक भी है जो टाइम वेस्ट करती है, टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए, अपनी जो आपने एक एम्बिशन जो एक एम लिया है जीवन का और अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ बनने के लिए आपने जो बेड़ा उठाया है उसमें सबसे सही है कि अपने टाइम का सदुपयोग करिए। बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन रजा साहब ने, जिस तरह से आप लोगों को बताया, एक बात जो इन्होंने एक लाइन में बताई है आपको उसको बिल्कुल गांठ बांध कर अपने जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि आप इस राष्ट्र का, इस उत्तर प्रदेश का भविष्य है, आप पर पूरे भारत का एक जो है भार है, आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी आप सजग, सचेत और एक्टिव रहकर ही पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एकदम काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, इन पांच लक्षणों को यानी कि
अब तो घर त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर पर रह करके ही मोबाइल कम देखते हुए, फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए, अपने गार्जियन के अभिभावकों का सम्मान करते हुए राष्ट्र की प्रगति में लग जाना है, क्योंकि आप अकेले प्रगति नहीं कर रहे होंगे, राष्ट्र भी उसी समय प्रगति कर रहा होगा जब आप प्रगति कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।